नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। निकायों के केंद्रित कर्मियों के 3601 पदों पर जल्द होगी भर्ती, योगी कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने निकायों में केंद्रित कर्मियों के 3601 पदों में बढ़ोतरी की है। केंद्रित कर्मियों के वर्तमान में 3085 पद हैं, जिन्हें बढ़ाकर 6686 किए जाने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी। काजर पुनर्गठन के आधार पर निकायों में जल्द ही 3601 पदों पर भर्तियां होंगी। शहरों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए उपप्रपालिका केंद्रित सेवा संवर्ग के पुनर्गठन का बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने निकायों में केंद्रित कर्मियों के 3601 पदों में बढ़ोतरी की है। केंद्रित कर्मियों के वर्तमान में 3085 पद हैं, जिन्हें बढ़ाकर 6686 किए जाने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है। काडर पुनर्गठन के आधार पर निकायों में जल्द ही 3601 पदों पर भर्तियां होंगी। मुख्यमंत्री की व्यस्तता के चलते मंगलवार को दिन में कैबिनेट की बैठक नहीं हो सकी। देर रात कैबिनेट बाई सर्कुलेशन 9 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। नगर निगम, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत में केंद्रित कर्मियों को रखने के लिए वर्ष 2017 में पदों का निर्धारण हुआ था। तब प्रदेश में निकायों की संख्या 632 थी, जो अब बढ़कर 762 हो गई है। वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में 3 नगर निगम बनाए जाने के साथ ही 117 नए निकायों का गठन हुआ है, जबकि 124 नगर निकायों का सीमा विस्तार भी हुआ है। केंद्रित कर्मियों की संख्या में कमी के कारण शहरों में बेहतर सुविधाएं देने में आ रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निकायों में केंद्रित कर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी की है। पदों की संख्या में बढ़ोतरी से निकायों की आय भी बढ़ेगी। वर्ष 2017-18 में निकायों की आय 2117 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर 3000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। नगर विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कर्मियों की संख्या बढ़ने से निकायों की आय भी बढ़ेगी। लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए निकायों का मानकीकरण भी किया गया है। नगर निगमों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें पहली श्रेणी में 20 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगमों में आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ व वाराणसी को रखा गया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।